हेलो फ्रेंड्स, जैसे कल ग्रुप में पुरुषोत्तम जी सर ने जूलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन डाले थे, हम उन क्वेश्चंस के प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खांच है। बिल्कुल ही हमने अब पढ़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि ये खांच होती है वृक्क के अंदर, जिसको के अंदर से विभिन्न प्रकार की जो नर्व्स हैं, यूरेटर है, ब्लड वेसल्स हैं, वो गुजरती हैं। हाइलम जो शब्द है, इसकी जगह पर पहले पुरानी किताबों में हाइलस शब्द प्रयुक्त कई जगह पर दिया हुआ है, प्रयुक्त होता था, आज भी कई जगह काम में लेते हैं। तो यानी हाइलम और हाइलस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका है नेफ्रिडिया केवल एनेलिडा में पाई जाती है। देखिए, नेफ्रिडिया हम जानते हैं उत्सर्जी अंग है, लेकिन और ये एनेलिडा संघ का मेजर करेक्टर मान सकते हैं हम कि एनेलिडा संघ में, स्पेशली एनेलिडा संघ में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संघ ऐसे हैं जिसमें नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है। मोलस्का संघ इसका उदाहरण है, जिसके कुछ सदस्यों में नेफ्रिडिया पाया जाता है। इसके अलावा एक माइनर फाइल है ओनाइकोफोरा, उस संघ के सदस्यों में भी नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन है हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रोन में पाया जाता है। दोस्तों, हम सभी ने किडनी के हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है, उसका डायग्राम हम सभी ने देखा है। तो उस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो किडनी है, उसका जो बाहरी पार्ट है, जो बाहरी खोल है, उसके नीचे का जो भाग होता है, उसको हम कॉर्टिकल पार्ट बोलते हैं। और कॉर्टिकल पार्ट के नीचे का जो पार्ट है, उसको हम मेडुलरी पार्ट कहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो किडनी है, उसके दो पार्ट हो गए। उसके जो आंतरिक संरचना, उसकी जो हम देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो बाहर की सतह वाला भाग जो है, सतह की ओर वाला जो भाग है, उसको हम कॉर्टिकल पार्ट बोलते हैं, और नीचे वाला भाग जो है, उसको हम मेडुलरी पार्ट बोलते हैं। अब स्तनधारियों के अंदर एक विशेषता होती है, स्तनधारी जितने भी हैं, उनमें जो हेनले का लूप है, उसकी लंबाई की विभिन्नता के कारण नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, या जिसको हम बोलते हैं वल्कलीय वृक्क नलिकाएँ। करीबन 80% नेफ्रॉन इसी प्रकार की होती हैं। 20% नेफ्रॉन जो होती हैं, वो होती हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अभी जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, इनमें जो हेनले का लूप है, वो अपेक्षाकृत लंबा होता है। अब इस क्वेश्चन को हम जरा फिर से देखते हैं, इसका जो ऑप्शन है, इसको फिर से देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। फिर से हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं हम। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं, उनका बोमन कैप्सूल जो है, वो किडनी के सरफेस वाले पार्ट की ओर, यानी कॉर्टिकल रीजन में स्थित होता है। और जो इनका हेनले का लूप होता है, वो छोटे आकार के होते हैं। और ये कॉर्टिकल के नीचे वाला जो मेडुलरी पार्ट है, इसमें थोड़ी सी दूर तक ही होता है, ज़्यादा गहराई तक नहीं धंसा होता। और इनके जो हेनले के लूप हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, जो इसकी हेनले की लूप की असेंडिंग लिंब है, जिसको हम आरोही भुजा बोलते हैं, वो पतले और मोटे खंडों में विभक्त नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं होती है। और इनमें जो ब्लड सप्लाई जो हो रही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा होती है। तो ये तो बात हो गई कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। अब हम बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तुलना में बड़े आकार की होती हैं, और इनका जो बोमन कैप्सूल होता है, वो कॉर्टिकल
और मेडुलरी पार्ट का जो संगम क्षेत्र बोल सकते हैं हम, जो संगम क्षेत्र है लगभग वहाँ पर स्थित होता है, कॉर्टिकल पार्ट की ओर ज़्यादा होता है। और इसका जो हेनले का लूप है ये काफ़ी लंबा होता है, और मेडुलरी पार्ट जो है उसमें जो उसके पिरामिड्स हैं उसमें लगभग पूरी गहराई तक स्थित होते हैं। तो यहाँ पर बड़े आकार के हेनले के लूप किसकी विशेषता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किसकी विशेषता है, इनकी विशेषता है मैमल्स की। और इस क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है वो इससे संबंधित ही है। और इसकी एक विशेषता और कि जो इसका हेनले का लूप है उसकी जो असेंडिंग लिम जिसको हम आरोही भुजा बोल रहे हैं वो पतली और मोटे दो भागों में या दो खंडों में विभक्त होती है, और इनमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो वासा रेक्टा के द्वारा होती है। तो जो सी ऑप्शन दिया हुआ है कि लार्ज लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऑफ मैमिलियन किडनी, तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें गलत ऑप्शन है, ये इसमें सही ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। क्योंकि बड़े आकार के हेनले के लूप जो हैं वो स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं पाए जाकर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो है मेलपिगियन बॉडी जो होती है वो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर बना होता है। ये सही है, जो बोमन कैप्सूल जो होती है उसी में जो रुधिर केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज का घना गुच्छा होता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इन दोनों को मिला करके हम इसको मेलपिगियन कॉर्पस्कल या मेलपिगियन बॉडी के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए और डी ही सत्य हैं, ऑप्शन बी और सी सत्य नहीं है, इसलिए इस आधार पर इसका जो फोर्थ आंसर है वो सही माना गया है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें जो दिया हुआ ये है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, ये सुमेलित कौन से वो पूछ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो जो नेफ्रॉन है उसके विभिन्न जो भाग हैं जैसे पीसीटी डीसीटी हेनले का लूप उसमें से किन पदार्थों का अवशोषण हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो ग्लोमेरुलस से छन कर बोमन कैप्सूल में आ रहा है और आगे वृक्क नलिका में बढ़ता है, वो जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या होता है, उसमें रुधिर के जो कण हैं जिनको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं उनको छोड़ देते हैं और जो इसमें नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं उनको छोड़ देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ जो प्लाज्मा है उसमें जितने भी घटक होते हैं वो सारे घटक उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं। तो हम कहें कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स और जो नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं वो नहीं होती और वो एक तरीके से प्लाज्मा ही होता है। इस जो फिल्ट्रेट है इसमें 90% जो भाग है इसका और 90% भाग है वो जल का होता है और 10% जो भाग है उसमें अलग अलग प्रकार के सॉल्यूट्स होते हैं, विलय होते हैं, उनमें ग्लूकोज भी शामिल है, एमिनो अम्ल भी शामिल है, अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा कई आयन जैसे सोडियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट पोटेशियम आयन ये सारे आयन्स भी इसमें मौजूद होते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट जैसे आयन्स हैं तो इन आयनों की वजह से जो ब्लड है उसका, हमने पढ़ा है कि ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, क्षारीय होता है, तो ब्लड की तरह ही जो प्लाज्मा उसका पीएच भी इतना ही होता है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो लगभग प्लाज्मा जैसा ही है, तो इसका पीएच भी 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब ये हमें इतना पता होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो निकटस्थ कुंडलित नलिका जिसको हम पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी
कहते हैं, इसमें किन किन पदार्थों का पुनरावशोषण होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें ग्लूकोज, लगभग ग्लूकोज का सारा, जितना ग्लूकोज है सारा ही अवशोषित हो जाता है, पुनरावशोषित हो जाता है, रक्त में चला जाता है, एमिनो अम्ल हो गए। इसके अलावा आयन है, जैसे सोडियम क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, इनका भी काफ़ी मात्रा में अवशोषण, पुनरावशोषण हो जाता है। और ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे हम कहते हैं, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 65% पार्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनरावशोषण हो जाता है। और यहाँ पर जो ब्लड है वो आइसोस्मेटिक बना रहता है। अब हम बात करते हैं हेनले के लूप की। अब ये जो हेनले का लूप है उसकी जो दीवार है, जो उसकी औरोही भुजा की दीवार अगर हम बोलें, डिसेंडिंग लिम्ब की जो दीवार, उसको हम बात करें तो बहुत ही अधिक जल के लिए बहुत ही अधिक पारगम्य होती है। लेकिन यूरिया और सोडियम जैसे अन्य, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया और अन्य कई आयन हैं, उनके लिए बहुत कम पारगम्य होती है। तो केवल इसकी पारगम्यता जल के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से अब होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जो फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसमें से जल की काफ़ी मात्रा बाहर, जो टिश्यू फ्लूड है उसमें चला जाएगा। इसकी वजह से जो ये जो फिल्ट्रेट बचा वो बहुत कम मात्रा में बचता है, क्योंकि जल का अधिकांश भाग है जो वो टिश्यू फ्लूड में जा चुका है। अब जो ये फिल्ट्रेट बचा वो कम मात्रा में बचा, इसकी वजह, अब इसमें से जल निकल चुका है, इसकी वजह से यह हाइपर ऑस्मेटिक हो जाता है, उच्च परासरणीय हो जाता है। तो जैसे ये ऑप्शन में दिया हुआ है, हेनले का लूप उच्च परासरणता को बनाए रखने का काम करता है, तो ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका की। अब जो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये क्या काम करती है, यह पोटेशियम क्लोरीन, ये जो आयन है, इनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और सोडियम आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा डिफ्यूज़न करके वासा रेक्टा में पहुंचाने का काम करती है। यानी यहाँ पर हमने, भाई मेरा कहने का मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसको हम सुसाध्य मिश्रण शब्द प्रयुक्त करते हैं, इसका मतलब परिस्थिति के अनुसार सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का, इन सब आयनों का अवशोषण होता है, पुनरावशोषण होता है, और जल का भी यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार ही पुनरावशोषण होता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम और जल का परिस्थिति के अनुसार पुनरावशोषण होता है, ये भी सही है। अब चौथा जो ऑप्शन है इसका, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग ट्यूबुल या कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, ये पीएच को बनाए रखने का काम करती है, जबकि वास्तव में जो कलेक्टिंग डक्ट जो है, इसका काम है जल का पुनरावशोषण, मुख्य काम इसका है जल का पुनरावशोषण, जल जो इसमें अतिरिक्त मात्रा में जो मौजूद है उसको पुनरावशोषित करता है। इसलिए जो इसकी दीवार जो होती है वो जल के लिए बहुत ज़्यादा पारगम्य होती है। पीएच को बनाए रखने के लिए इसका कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जो पीएच के लिए उत्तरदायी साल्ट्स, जो लवण है या आयन जो बोलते हैं हम, जो आयन है, उनका अवशोषण यहाँ पर नहीं हो रहा, इसलिए पीएच को बनाए रखने के लिए ये उत्तरदायी नहीं होते। पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल वो पार्ट होगा जहाँ पर बाइकार्बोनेट जैसे जो आयन है उनका पुनरावशोषण हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है, और इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है कि ए, बी और सी, ये तीनों पार्ट इसके सुमेलित हैं, डी पार्ट सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये केवल जल के पुनरावशोषण के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है, मोस्टली पीएच को बनाए रखने में इसका कोई रोल नहीं होता। थैंक यू।
हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो जो हमने स्टार्ट किया है 2018 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने की सीरीज, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है कि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट तो हम गलती क्या करते हैं कि हम ये जो नॉट सही पूछा है गलत पूछा है इसको नहीं देखते हैं। तो पहले तो हमें इसे राउंड अप करना है कि इसने गलत पूछा है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एंजाइना। तो एंजाइना क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि एंजाइना एक तरीके की कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, ठीक है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कॉरोनरी आर्टरी क्या होती है, वो आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करवाती है वो कॉरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। इसके अंदर डिजीज हो रही है तो एंजाइना कॉज हो रहा है। अब ये डिजीज में होता क्या है कि जो एंजाइना है वो कई बार क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ब्लॉकेज आता है या कुछ भी, बाई एनी मीन ये ब्लड का जो फ्लो है हार्ट के पास में वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्लड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो बॉडी के अंदर एक सडन चेस्ट पेन कॉज होगा। इस जो सडन चेस्ट पेन है इसके साथ साथ में हमें शोल्डर में, नेक में या हमारी जो जॉ है वहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है। तो ये जो एंजाइना है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, होती किसके वजह से है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉक आ रहा है या फिर वो नैरो हो रही है। वो नैरो क्यों हो रही है, जैसे कि अब सबको पता ही है, सब हेल्थ कॉन्शियस हम हो ही रहे हैं, तो जो हाई फैटी एसिड्स वाला या जो हाई फैट वाला हम फूड ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गया है। तो अगर वो डायमीटर बहुत कम हो जाएगा तो कॉरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम हाई सोडियम डाइट को अगर अपन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये डिजीज हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। तो क्या समझा हमने एंजाइना से, कि ये जो है वो ऑक्सीजन की जो अनसफिशियंट सप्लाई होती है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और कई बार ये हार्ट अटैक भी कॉज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है आई गेस, कि एंजाइना, और उसके सामने लिखा हुआ इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई, एंजाइना अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति, तो ये वाला हमारा सही है। सेकंड है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या होता है, एम्फिसीमा के अंदर जो ब्रीदिंग है उसकी ब्रीदिंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम अच्छी तरीके से हम जो ब्रीदिंग है वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, अब हमें पता है कि जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है और जो उनका एंड पॉइंट होता है वहाँ पे जाके बनती है वायु कुपिकाएं, या जिनको अपन बोल सकते हैं एयर सैक्स। ये एयर सैक्स क्या होते हैं, स्मॉल 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 साइज के होते हैं और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी किसी चीज़ की साइज छोटी होती है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है ना। एयर, ये वायु कुपिकाएं हैं, राउंड शेप के अंदर है, तो ये जितनी ज़्यादा छोटी होंगी उनका जो सरफेस एरिया है वो उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमें लंग्स में करवाना क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी है, CO2 O2 का एक्सचेंज करना है, तो इनकी साइज़ कम है और सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर करवा पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन एयर सैक्स के अंदर कोई ना कोई डैमेज कॉज होता है, और उन डैमेज की वजह से क्या होता है, इनके अंदर इनकी जो साइज़ है वो, इनके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, और वो स्पेस और साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अब जो भी बाहर से एयर आ रही है लंग्स के पास में उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका जो एक्सचेंज है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर एयर सैक्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई डैमेज कोज होता है या उनके अंदर जो लार्जर स्पेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी कम होता है, तो ये होता है एम्फिसीमा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, कि एम्फिसीमा इज एल्वियोलर डैमेज। एल्वियोलर डैमेज ये सही है कि वायु कुपिकाओं के अंदर अगर कोई दिक्कत हुई है उसी की वजह से ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो करने की कैपेसिटी कम हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। द नेक्स्ट इसमें दे रखा है अस्थमा या सूजन, इन्फ्लेमेशन। देखिए नॉर्मल जो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, वो क्या होता है कि
इन्फ्लेमेशन एक तरीके की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी जो WBC है वो कोई ना कोई ऐसे केमिकल्स सब रिलीज़ करती है जो कि उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, उनको डैमेज करने का काम करवाते हैं। तो जिस भी जगह के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, WBC जो भी सिक्रेट कर रही है सब्सटेंसेस वो वहाँ पे जाते हैं, और इन रिजल्ट वहाँ पे क्या होता है थोड़ी रेडनेस क्रिएट हो जाती है और हल्की सी हीट जनरेट होती है। ये तो होता है इन्फ्लेमेशन। अब अपन देखते हैं कि अस्थमा के अंदर क्या हो रहा है। अस्थमा के अंदर भी एक तरीके का इन्फ्लेमेशन ही होता है, लेकिन अस्थमा के अंदर जो लंग्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। कैसे? कि जो हमारे एयरवेज हैं, पहले जब हमने बात की थी एम्फीसीमा की तो मैंने बोला था एयर सैक्स या फिर वायु कुपिकाएं, अब मैं बोल रही हूँ एयरवेज। तो जो ट्रैकिया है वो जिन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है उनको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे एयरवे। तो वो जो एयरवेज होते हैं उनकी जो लाइनिंग है वो लाइनिंग के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन तो होता ही रहता है, लेकिन जब कोई वहाँ पे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं या जब भी ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है अस्थमा वाली, तो वहाँ पे उनकी जो एयरवेज हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़्यादा म्यूकस के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है कि हम इजीली सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ में क्योंकि म्यूकस के अमाउंट ज़्यादा है, और तो म्यूकस के अमाउंट ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पर क्या होगी, कफिंग कॉज होगी। तो अस्थमा क्या है, एक तरीके की इन्फ्लेमेशन ही है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन किसके हैं अंदर है, लंग्स के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन अगर हम देखें कि अस्थमा, तो इसके आगे दे रखा है इन्फ्लेमेशन, दैट इज करेक्ट, कि अस्थमा जो है वो एक तरीके का इन्फ्लेमेशन ही है। और होता कहाँ पे? लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में भी अगर बात करें कहाँ, तो एयरवेज के अंदर ये होता है। देन लास्ट ऑप्शन इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है वो जो डिजीज है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है हाइपो मीन्स लो, ठीक है, कुछ कम। हाइपो एंड थायराइडिज्म, थायराइडिज्म यहाँ पे वर्ड यूज़ करें अपन थायराइड हार्मोन के लिए या थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। T3 T4 जो दो फॉर्म्स होते हैं थायराइड हार्मोन के, उनके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रेटिनिज्म है ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि ये बाय बर्थ ही होती है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। और जो जो भी थायराइड हार्मोन के जो भी फंक्शंस है बॉडी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी कमी की वजह से क्रेटिनिज्म कॉज होता है। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि क्रेटिनिज्म, और इसके सामने लिख रखा है कि हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पे हाइपर वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट वो होगा क्रेटिनिज्म, और ये हाइपर नहीं होगी, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलो सॉरी कार्टिलेजिनस जॉइंट आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कार्टिलेज, उपास्थि, ठीक है। कार्टिलेज या उपास्थि क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर बोन होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। बोन के अंदर क्या होता है, और बोन और जो कार्टिलेज है उन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है आयन्स की कंसनट्रेशन के ऊपर, कि जो बोन्स होती हैं उनके अंदर जो आयनिक कंसनट्रेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उनमें कैल्शियम जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। और कैल्शियम के अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, है ना। और जो कार्टिलेज हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो बोन्स के कंपैरिजन के अंदर अगर अपन देखें तो थोड़ी बोन से कम स्ट्रांग होती हैं, थोड़ी सी लचीली होती हैं उनकी तुलना के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं ये कहाँ पे हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं? कि कोई बोन है, दो बोन्स के बीच में अगर कोई जॉइंट है तो वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज हो सकती है या वाइट फाइबर की कार्टिलेज हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस जो जो वो जॉइंट्स बनाते हैं वो किन के बीच में बनते हैं? दो बोन्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि जो हम देखें इनके ऑप्शंस के ऊपर, कि फर्स्ट है बिटवीन टू वर्टिब्री, सेकेंड है नी, थर्ड है बिटवीन कार्पल्स एंड लास्ट है बिटवीन मेटाकार्पल्स। तो देखो जहाँ पे भी बात हो रही है दो बोन्स के अंदर ये जो जॉइंट्स आने की, वहाँ पे होंगे कार्टिलेजिनस जॉन। अब ये तो सारी हमें तो सारी बोन्स लग रही हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो कार्टिलेजिनस बोन्स होते हैं वो होते हैं वर्टिब्रीज के अंदर, ठीक है, या फिर रिब्स के अंदर, स्टर्नम के अंदर, है ना।
और प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर यहाँ पे ये जहाँ पे भी दो बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं अच्छे से, वहाँ पे ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें तो वहाँ पे है नी बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन मेटाकार्पल्स। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जॉइंट पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, दो बोन्स एकदम क्लोजली आती हैं, अटैच्ड होती हैं और उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। और इस जो स्पेस होता है दो बोन्स के बीच में, वहाँ पे एक फ्लूड भरा हुआ रहता है जिसे अपन बोलते हैं सिनोवियल फ्लूड। और जो कैविटी का वहाँ पे बनती है उसको अपन बोलते हैं सिनोवियल कैविटी, ठीक है, या फिर जॉइंट कैविटी। तो जो नी कार्पल्स मेटाकार्पल्स शोल्डर हिप एल्बो ये जो बोन्स हैं यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में कोई किसी भी तरीके की कार्टिलेज नहीं होती है, ये बोन टू बोन डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, ठीक है। और लेकिन उन जो बोन्स का जॉइंट्स होता है उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन, वहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सिनोवियल कैविटी, है ना। लेकिन ये जो बोन्स होती हैं इन बोन्स के सिर्फ किनारों के यहाँ पे भी हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि कार्टिलेज देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन हमें जो कार्टिलेज देखने को मिल रहा है वो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और वो सिर्फ जो बोन्स होती हैं उनके एंड के ऊपर एक उनकी थिन फिल्म होती है, थिन लेयर होती है पतली सी, लेकिन वो उस जॉइंट को बनाने का काम नहीं कर रही, ठीक है। दोनों बोन्स के बीच में थोड़ा गैप होता है सिनोवियल, वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है सिनोवियल कैविटी होती है, और ये जो जॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि एक बोन से दूसरी बोन एकदम फुल्ली टाइटली कनेक्टेड रहती है, और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है सिंक्रोसिस टाइप का, और या फिर ये हो सकता है सिम्फाइसिस टाइप का, ठीक है। सिंक्रोनस टाइप के अंदर या सिम्फाइसिस टाइप के अंदर अपने को उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस टाइप का है सिंक्रोडोसिस टाइप का है उसके अंदर क्या होता है कि हाइलिन कार्टिलेज होती है, जबकि जो दूसरा है सिम्फाइसिस उसके अंदर वाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये वाले कार्टिलेजिनस वाले किस किस में मिलेंगे, रिब्स में, स्टर्नम के अंदर, और प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर, या इनवर्टिब्रेट डिस्क के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है दैट इज दो कशेरुकाओं के मध्य, तो हमारे ये वाला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि नी कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स इनके अंदर क्या होते हैं सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इनके अंदर तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, और जिस मकसद के साथ हम लोग काम करने का हमने प्लान किया है उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चार क्वेश्चन ग्रुप में शेयर किए थे, और ये चारों ही बॉटनी की फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे जो आरपीएससी ने 2018 में जो पेपर लिया था वहाँ से ये क्वेश्चन थे। पेपर मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर रखा है, तो उस पेपर को पहले अपन डिस्कस करेंगे। उसके जो भी क्वेश्चंस हैं बॉटनी वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा मोस्टली, और जो जूलॉजिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस हैं वो बाकी दोनों जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो कल एक क्वेश्चन के बारे में मैंने ग्रुप में लिखा भी था, आप लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किए थे, तो काफ़ी अच्छा प्रयास था आप लोगों का। लेकिन फिर भी और जो कुछ रह जाता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे हम, और हम यही चाहते हैं कि छोटी से छोटी बात है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा इससे मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेवरल टाइम्स पेपर्स में आता है, और हर लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो रह जाता है। यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की बात करें या एंडोस्पर्म के टाइप्स की बात करें, तो जैसा कि आप लोगों ने अपनी एमएससी लेवल की बुक्स जो कि मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं भोजवानी एंड भटनागर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को लेकर के 3 टाइप्स होते हैं। फ्री न्यूक्लियर, जहाँ पे जो स्टार्टिंग के डिविजन्स होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N होता है, उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, अगर उसके बाद में जो भी न्यूक्लियाई बनते हैं उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो सारे न्यूक्लियाई एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर स्केटर्ड रहते हैं। फिर आपने वहाँ पे ये भी पढ़ा है कि बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होती है, वो वैक्यूल जैसे जैसे बड़ी होती है तो न्यूक्लियाई पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद में पेरीफ्री से सेंटर की तरफ।
जब आप कहते हैं कि पेरीफ्री से सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे मैटर आएगा कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंट्रीपीटल, कि परिधि से केंद्र की तरफ अगर भित्ति का निर्माण होगा तो ये सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट होगा। तो फ्री न्यूक्लियर वाले केस के अंदर यही रहता है कि बहुत सारे न्यूक्लियर बनेंगे, उनके बीच में उसी समय पे जब डिवीजन होता है उसके जस्ट बाद में वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो सारे न्यूक्लियर फ्री रह जाएंगे, तो दैट कंडीशन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अलावा दो टाइप्स आपने और भी पढ़ी थी, एक के अंदर सेलुलर होता है जहाँ पे डिवीजन के जस्ट बाद में सेल वॉल बन जाने से कहीं भी फ्री न्यूक्लियर स्टेज नहीं होती है, और एक दोनों का मिक्सअप होता है, वो हेलोवियल कंडीशन होती है, वो भी आपने वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से जुड़ा हुआ है, और इसका कनेक्शन जिस चीज़ से है दैट इज़ द पर्टिकुलर फ्रूट, कि आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन से फ्रूट के अंदर ये जो फ्री न्यूक्लियर टाइप है वो हमें देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास कोकोनट है, नो डाउट ये वैसे तो स्कोरिंग के एंगल से तो काफ़ी सही है कि हम सीधे से इसको टिक कर सकते हैं कि कोकोनट के अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन फिर भी कोकोनट की अगर हम बात करें तो कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म के जो लेवल्स हैं वो हमें तीनों लेवल दिख जाते हैं। जब हम मार्केट में जो कोकोनट वाटर के लिए जो हम नारियल पानी पीते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम लिक्विड जूस ले रहे हैं वो टोटली फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है, और उसके बाद में कई बार उसको स्प्लिट करते हैं तो उसके अंदर एक परत जमी रहती है, वो आपको ये बता देगी या वहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि वहाँ पे भित्ति से केंद्र की तरफ जो वॉल फॉर्मेशन है वो होनी स्टार्ट हो गई है और एंडोस्पर्म वो सेलुलर लेवल में जाने लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज कोकोनट मीट, और जिसको अपन कोकोनट मीट बोलते हैं या उसको अपन खाने के काम में भी ले सकते हैं। और लास्ट में जब कोकोनट मैच्योर हो जाता है, जैसे कि अपन सूखे नारियल की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये पूरा जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे हमें फ्री न्यूक्लियर कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। बीच की जो सेंट्रल वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ी सारी हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरा, जो बायोटेक्नोलॉजी के एंगल से बात करें या टिश्यू कल्चर के एंगल से बात करें या अपन हार्मोन सप्लीमेंट के हिसाब से बात करें या साइटोकाइनिन वगैरह के हिसाब से बात करें, तो वहाँ पर भी जो इसका सोर्स है उसको अपन लेबोरेटरी के अंदर काम में लेते हैं कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके द्वारा फुलफ़िल की जाती हैं। तो डेफिनेटली जो एंजियोस्पर्म्स हैं और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, दोनों ही प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रोमोजोमल नेचर की बात करें तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे वो हैप्लोइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, और बेटर टू से कि जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी जो सेकंड स्टेप अपन ट्रिपल फ्यूजन लेते हैं उसके बाद में हो रहा होता है। तो तीन न्यूक्लियर एक साथ आते हैं यानी कि इसकी नेचर 3N हो जाती है। हालांकि आप जो फीमेल गैमेटोफाइट के काफ़ी सारे नेचर से उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी पता लगेगा कि एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियर बिहेवियर है वो अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है, बट एट ए जनरल हम इसको एंजियोस्पर्म में 3N काउंट करते हैं और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर 1N काउंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपका जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो कोकोनट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि कोकोनट के अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट मूंगफली की बात कर रहे हैं, और मूंगफली का जैसे बॉटनिकल नेम भी आपको आना चाहिए, एराकिस हाइपोजिया। देन आफ्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम मूंगफली इस्तेमाल करते हैं या जो मूंगफली खाने के काम में आती है वो किसका मॉडिफिकेशन है। कई बार बच्चे ऐसी बातें करते भी हैं, पूछते भी हैं कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, ये क्या होता है। तो डेफिनेटली ग्राउंडनट जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए दैट इज़ ए फ्रूट। तो फ्रूट कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जड़ से बन सकता है या तने से बन सकता है या पत्ती से बन सकता है। जड़, तना, पत्ती ये सब कभी भी फ्रूट नहीं बना सकते। फ्रूट बनाने का काम केवल और केवल कौन करेगा ये आपको पता है कि इट इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रूट, कि फ्रूट जो बनेगा वो फ्लोवर से ही बन सकता है। तो फ्लोवर आएगा, इसका मतलब ये है कि ग्राउंडनट के अंदर जो फ्लोवर आते हैं तो वो फ्लोवर आते तो होंगे, देन आफ्टर वो ज़मीन में चले जाते होंगे। तो हम सोच सकते हैं कि फूल ज़मीन में कैसे जा सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं MSc के अंदर कि फ्लोरल एक्सिस इज ए मॉडिफाइड सूट, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि एंड्रोफोर, गाइनोफोर ऐसी चीज़ें आती हैं। जब हम कैपेरिडेसी फैमिली की बातें करते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा ये भी पता रहना चाहिए कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो ग्राउंडनट के अंदर जिस मूंगफली की आपने बातें की
दैट इज़ अ पर्टिकुलर फ्रूट, और जो गाइनोफोर होता है वो गाइनोफोर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि नॉर्मली वो ज़मीन की तरफ नहीं जाते, लेकिन ग्राउंड नट वाले केस में ऐसा होता है। और कई बार जैसे कि बहुत सारे बच्चे खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने ये देखा भी होगा और वो करते भी होंगे कि जब मूंगफली में फ्लोवर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उन पौधों के ऊपर मिट्टी डालता है किसान, ताकि वो अच्छे से ग्राउंड सरफेस से नीचे चले जाएँ और जो मूंगफली की पैदावार वो बढ़ कर के आए। तो अगर हम ग्राउंड नट की बात करें तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर नहीं होता है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक में भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब ये है कि मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें एंडोस्पर्म कभी नहीं होता है, ऐसा कहना गलत होता है। अगर मैच्योर फ्रूट की बात करें उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, मैच्योर सीड की बात करें उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में हम इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बनता तो है बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, कि जैसे जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान जितना भी एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन है अगर वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, यानी कि उसमें से कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है, तो मैच्योर कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें एंडोस्पर्म नहीं मिलने वाला, तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस भी इन्हीं के नाम होते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम स्वीट पी यानी कि मटर की बात करें तो वहाँ पर भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, यानी कि एंडोस्पर्म है वो टोटली कंज्यूम कर लिया जाता है, तो बचा हुआ इनमें नहीं होता है। और दूसरा थोड़ा सा आपको ये भी रहना चाहिए कि जब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, एंडोस्पर्म से प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद में जब सीड जर्मिनेट करता है तो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उससे प्रोवाइड हो जाती है, अगर वो नहीं बचा हुआ है तो पौधे के पास या जो भी अपने जो सीड ले रखा है, सीड एक प्रकार का स्पोरोफाइट ही होता है, एक पौधा ही होता है, वो एक उसका सस्पेंडेड कंडीशन है कि लाइफ उसमें रुकी हुई होती है, तो वो जब जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है कि न्यूट्रिशन आना चाहिए, तो न्यूट्रिशन वहाँ कॉटिलिडन्स के रूप में स्टोर्ड होता है। तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ स्टोर होगा? दैट विल बी स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स, तो कॉटिलिडन्स में होगा। ग्राउंड नट की बात करें, स्वीट पी की बात करें, तो इनमें बड़ी बड़ी कॉटिलिडन्स हैं और इन कॉटिलिडन्स का ही यूज़ है कि हम जो इनके जो एडिबल यूजेज हैं वो इनके हम इनके कॉटिलिडन्स की वजह से ही करते हैं, कि एक ही कॉटिलिडन जिसको ग्राउंड नट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ऑयल है, दूसरा स्वीट पी उसकी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो दे आर इकोनॉमिकली वैल्यूबल, कि उसी की वजह से हम इनको इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको कैस्टर दे रखा है, कैस्टर के अंदर भी जो सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पाया जाता है, ग्राउंड नट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, स्वीट पी में नहीं मिलेगा, बट कैस्टर के अंदर हमें मिलेगा। और कैस्टर में जो मिलेगा वो फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है कि किस में फ्री न्यूक्लियर है, तो कैस्टर में है ज़रूर लेकिन वो फ्री न्यूक्लियर नहीं है। और दूसरी बात आपको और ध्यान में रखनी है कि कैस्टर के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर प्रोटीन बॉडीज और फैट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि जो अरंड के बीजों का जो मेडिसिनल सिग्निफिकेंस होता है कि हम उनको लैक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि आंतों को साफ़ करने के लिए इसका कैस्टर ऑयल काम में आता है, और जो ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों ही यूज़ क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बॉडीज़ और फैट्स स्टोर होते हैं। और थोड़ा सा आप अगर चीज़ों को बिल्कुल करीब से देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपने कभी इन बीजों को उगते हुए देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि जिनके अंदर स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी दालें सी होती हैं वो एंडोस्पर्मिक नहीं हो सकते, उनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन ही होती है, वहाँ कोटलीडेंस में स्टोर रहता है। जहाँ पे एंडोस्पर्म होता है वहाँ पे जो इनिशियल लीव्स आते हैं, स्टार्टिंग की जो दो पत्तियाँ आती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं हो सकती। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी अप्रोच होती हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट सेवरल क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ और भी आती है और दैट इज़ वो होता है आपका काली मिर्च को लेकर के भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ पे जो आपका पेरिस्परम वर्ड आता है एक,
पेरिस्प्रम का मतलब ये है कि जब एंडोस्प्रम कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है तो वो कोटलीडेंस के बाहर एक रिमेनेंट्स के रूप में, एक बची हुई परत के रूप में पाया जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स, एल्कलॉइड्स वगैरह भी स्टोर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि अपन काले मिर्च की बात करें तो वहाँ पे वो एज ए मेडिसिनल वैल्यूज भी उसकी होती हैं। तो पेरिस्प्रम के वर्ड के एंगल से भी आपको पता होना चाहिए, एंडोस्प्रम के वर्ड से भी पता होना चाहिए, फ्री न्यूक्लियर के रूप से भी पता होना चाहिए, कुछ भी पर्टिकुलर स्टोरेज है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जिनके अंदर ना तो कोटलीडन्स बहुत बड़ी होती हैं ना उनके अंदर एंडोस्प्रम काफ़ी सारा होता है, तो डेफिनेटली जब उनमें इतना कुछ नहीं होता है तो उसमें केवल एम्ब्रियोनल एक्सिस ही होती होगी, और एम्ब्रियोनल एक्सिस की ही बात करें तो ये फिर काफ़ी छोटे हो जाते होंगे। तो जो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि ऑर्किड्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर एंडोस्प्रम होता ही नहीं है, सीड्स की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो वो फिर उनको बायोन्सी वगैरह प्रोवाइड कराती है कि जो हवा के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बीजों में तभी आ सकती है जब वो काफ़ी हल्के हों। तो एंडोस्प्रम भी नहीं हो, कोटलीडन्स भी नहीं हो, तो बीज और भी हल्के हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे तरफ इशारा कर देता है कि जो बहुत ही छोटे होते हैं वो फिर संख्या में ज़्यादा बनते हैं, तो वो एक बायोमास एलोकेशन वगैरह काफ़ी डिटेल में बातें चली जाएंगी। तो हम इन चीज़ों को यहीं रोकते हैं और हम समझते हैं कि इन चारों ऑप्शन में हमारे पास केवल एक कोकोनट ऐसा है जहाँ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमारे पास देखने को मिलता है, जिसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6, और आपको यहाँ पे जो चार ऑप्शन हैं उनमें से फाल्स फ्रूट को ढूंढना है कि फाल्स फ्रूट किसे कहते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि फाल्स फ्रूट का मतलब क्या है और फ्रूट का मतलब क्या है। फ्रूट का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फ्लोवर की फॉर्मेशन होती है, और फ्लोवर के अंदर जो दो एसेंशियल चक्कर होते हैं, जैसे कि सबसे अंदर गायनोशियम वाला और उसके जस्ट बाहर एंड्रोशियम वाला, तो देखा जाए तो केवल जो इनर मोस्ट यानी कि सेंटर में जो चक्कर होता है जो कार्पेल से बना होता है गायनोशियम, उसके जो भाग हैं वो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ओवरी से फ्रूट बनता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं उनसे सीड बनता है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस कि नेचर में ये होता है कि फ्रूट की बात करेंगे तो फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। अगर उसमें सभी ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो गए तो देर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ सीड्स कि हमें सीड मिल जाएंगे, अगर ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे हमें सीड देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि दो चीज़ें हैं, फ्रूट ओवरी से बना हुआ रूपांतरण है और जो सीड हैं वो ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद के रूपांतरण होते हैं। अगर ओवरी के अलावा किसी दूसरी चीज़ से फ्रूट फॉर्मेशन हो जाए तो दैट विल बी काउंट एज फाल्स फ्रूट, कि वो नेचुरली जो नेचुरल तरीका है उस तरीके से ना होकर के किसी दूसरे पार्ट से हो रहे हैं। तो चार ऑप्शन पे अगर हम देखें तो मैंगो के अंदर इसका डेवलपमेंट ओवरी से ही होता है और जो फ्रूट बनता है वो एक जूसी फ्रूट होता है, यानी कि वो एक सरस फल होता है, और इसको टेक्निकली हम ड्रूप बोलते हैं, तो टेक्निकली भी आपको पता होना चाहिए। एप्पल की बात करें तो एप्पल में जो फ्रूट बनता है वो एग्जैक्ट फाल्स फ्रूट ही है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो ओवरी से ना हो करके ओवरी के नीचे जो भाग होता है, ओवरी के नीचे जो भाग होता है उसको अपन पुष्पाशन बोलते हैं, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे जो डंठल होता है उसको अपन पुष्पवर्म वृंत कहते हैं। तो ये ओवरी के जस्ट नीचे जो फुलावा भाग होता है जिसको अपन पुष्पाशन बोलते हैं, थैलेमस, तो थैलेमस से डेवलप होकर के ये फ्रूट आता है, तो इसलिए ओवरी से इसका डेवलपमेंट नहीं है। तो हमें यही ढूंढना था कि फाल्स कौन सा है, तो एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लूबेरीज की बात करें तो ब्लूबेरीज जैसा कि इनके नाम में भी लिखा है बेरीज, और बेरीज का मतलब हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर जूसी कंटेंट प्रेजेंट है, तो ये भी जूसी फ्रूट होते हैं, सरस फल होते हैं ये भी। और अगर हम बात करें कोकोनट, तो कोकोनट अपने पास जो है वो भी फाल्स फ्रूट का एग्जांपल नहीं है, ये ड्रूप का एग्जांपल है, एक ओवरी से बनने वाला फ्रूट है और जो ड्रूप फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और जैसे हम बात करें कि कोकोनट फ्रूट का, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके फ्रूट की जो फ्रूट वॉल लेयर्स होती हैं, जैसे एक्टोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, वो सब भी हमें पता रहनी चाहिए। और कोकोनट के अंदर जो मीजोकार्प होती है उसके अंदर जो फाइबरस कंडीशन है वो इसका जो कॉमर्शियल वैल्यूज़ और जो फाइबर यील्डिंग मटेरियल है उसके रूप में भी
काम आती है। ऐसे अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर जो एडिबल चीज़ है वो इसका मीजोकार्प ही होता है। ऐसे ब्लूबेरीज के अंदर भी जो एडिबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प ही होता है। तो यहाँ पे हमें फॉल्स फ्रूट ढूंढना था और वो हमारे पास आया एप्पल, और एप्पल के अंदर इसकी फॉर्मेशन ओवरी से ना होकर के थैलेमस से होती है, इसलिए हम इसको फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में लाते हैं। इसके बाद में हमारा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये अच्छा प्रयास है आरपीएससी का कि वो नॉट ट्रू वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। नॉट ट्रू वर्ड अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। अलग चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉट ट्रू को ये सीधा फॉल्स भी लिख सकता था। इसने आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम डाली है जानबूझ के कि आपको दो चीज़ें एक साथ देखनी है। नॉट एक नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है, ट्रू एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है। तो आपको जो लैंग्वेज दी है उस लैंग्वेज में दो चीज़ें आपको एक साथ देखनी है, यानी कि नॉट ट्रू, यानी कि आपका अगर नॉट ट्रू के हिसाब से चलेंगे तो दिमाग थोड़ा सा पजल रहेगा कि अगर उसने कहीं भी नॉट को छोड़ दिया। होता क्या है कि जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दबाजी में होते हैं और बहुत फास्टली पेपर करने के चक्कर में आप तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। अगर आपके दिमाग ने नॉट को छोड़ दिया, हालांकि उसने अंडरलाइन किया है कि आप ना छोड़ें, आप सोच सकते हैं कि कितना साइकोलॉजिकली फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस होते होंगे कि नॉट को इसने अंडरलाइन भी किया है कि आप इस पर ध्यान दें, लेकिन फिर भी ध्यान देने से ये मिस हो सकता है। और होता भी है, बहुत बच्चों से होता भी है कि वो ट्रू के चक्कर में फिर इसको करने बैठ जाते हैं और डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है। जैसे चार ऑप्शन है तो चार में जो गलत और सही दे रखा है तो ऑब्वियसली कुछ गलत और कुछ सही ज़रूर होंगे, और जो सही होंगे उनमें से कोई ना कोई सा तो आपके दिमाग में फिट होगा ही होगा, तो आप उसके ऊपर टिक करके आ जाएंगे। और ये गलत भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो वैसे इसने हद कर रखी, यानी कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया, लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो डाला उसमें इसने बहुत गलतियाँ की हैं, तो उन गलतियों को हमें पकड़ना है। ये हालांकि अलग मैटर हो जाता है कि जब आंसर की आती है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं, फिर कैंडिडेट्स उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस पुट करते हैं और उसके बाद में उनके डिसीजंस वगैरह होते हैं। कई बार डिसीजंस हैं वो फेवरेबल रहते हैं, कई बार अनफेवरेबल रहते हैं, कट ऑफ्स वगैरह बहुत प्रभावित होती है, पूरा कैरियर डिस्टर्ब होता है, वो अलग चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ नहीं कर सकते। हम एग्ज़ाम हॉल में क्या कर रहे हैं, हम बस उस तक की बातें करेंगे। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को लेकर के। तो देखा जाए तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट जब होता है, मेगास्पोर का खुद का बनना वो मेगास्पोरोजेनेसिस है, और मेगास्पोर जब बन जाता है तो हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में टेट्राड के रूप में बनता है, एक लीनियर टेट्राड होता है, मोस्टली माइक्रोस्पोर्स का एक टेट्राहीड्रल टेट्राड होता है, एक कॉमन जनरल टाइप की बात करते हैं तो ऐसा होता है। हालांकि उसके फिर डेविएशन भी होते हैं कि टी सेप्ड इन्वर्टेड, टी सेप्ड ऐसे भी होते हैं, तो उनकी तरफ हम नहीं जा रहे। हम केवल ये कह रहे हैं कि मेगास्पोर जब बनते हैं तो चार बनते हैं, चार में से तीन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वहाँ अगेन कंट्रोवर्सी आती है कि कुछ पौधों में माइक्रोपाइलर एंड के तीन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ में चलाजल एंड वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन चाहे कोई से भी हो लास्ट में एक फंक्शनल बचता है। और जो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है वो जब जर्मिने वो सब फर्दर जब वो ग्रो करेगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को अपन फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में बन रहा है उस फीमेल गैमेटोफाइट का ही दूसरा नाम एम्ब्रियो सैक होता है। तो देखा जाए तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो ये सब पढ़ रहे होते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट वर्ड है वो आपको लोअर क्रिप्टोगैम से मिलना चालू हो जाता है। तो गैमेटोफाइट वर्ड जानबूझ के इसलिए डाला है ताकि आप अकेले एंजियोस्पर्म पे ना रहें, उससे आगे की चीज़ें भी आपके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करती रहें ताकि आप ज़्यादा पजल रहें। हालांकि वो आता तो डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक भी बोल देता, लेकिन उसने इसीलिए नहीं लिखा है कि उसने एक जानबूझ के प्रॉब्लम वाला पार्ट इस क्वेश्चन में डाला है। तो कोई बात नहीं, हम एम्ब्रियो सैक के ऊपर बात करेंगे, सीधी बात ये है। और एम्ब्रियो सैक से जुड़ी हुई गलत बात कौन सी है वो हमारा आंसर होगा। नॉट ट्रू को हमने कन्वर्ट कर दिया फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। तो देखा जाए तो जो एट न्यूक्लियाई है उनको अगर हम देखें तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और उसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो चलाजल एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो अपरेटस होता है उसको अपन बोलते हैं एग अपरेटस, और एग अपरेटस के अंदर एक
बड़ी सारी एग सेल होती है और एग सेल दोनों साइड से पार्शली सराउंडेड यानी कि पूरी ढकी हुई नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी ढकी हुई होती है, और जिन सेल से ढकी रहती है उनको अपन सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो एग अपेटस के रूप में तीन सेल्स होती हैं, एग सेल और उसके दोनों बगल के अंदर पार्शली उसको ऑक्यूलेट करती हुई दो सिनर्जिड्स। इसके बाद में जस्ट अपोजिट चलाजल एंड पे जाते हैं तो वहाँ हमें मिलता है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स का जो नंबर है वो एम्ब्रियो सैक की टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम केवल जनरल के एंगल से सोचेंगे। तो थ्री एंटीपोडल सेल्स वहाँ पे हमें मिल जाती हैं। अब देखा जाए तो ये है कि एग अपेटस के रूप में तीन सेल हैं, तीन वहाँ पे न्यूक्लियाई हैं और तीनों न्यूक्लियाई के बाहर वॉल फॉर्मेशन होती है। इसमें लिखा है सराउंडेड बाय सेल वॉल, तो वहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसे ही एंटीपोडल्स की बात करें तो उनके बाहर भी वॉल होती है, यानी कि अभी तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे पास छः ऐसी सेल हैं, एग अपेटस की तीन और एंटीपोडल्स की तीन, जिनके अंदर सेल वॉल है, तो छः तो हमारे पास कन्फर्म आ गई। अब बचे हुए जो दो हैं उनकी बात करते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और ख़ास बात ये होती है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, क्योंकि जब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है तो उसमें कॉमन साइटोप्लाज्म होता है जो बाद में हाईली वैक्यूलेटेड हो जाएगा, और हाईली वैक्यूलेट होने से वहाँ पे केवल साइटोप्लाज्म के थ्रेड्स या कनेक्शंस बचे रह जाते हैं, और एम्ब्रियो सैक की बीच वाली पोजिशन के ऊपर जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का बचा हुआ भाग होता है उसी के अंदर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक साथ साइड बाई साइड लाइज करते हैं, यानी कि पड़े रहते हैं, उनके बाहर कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो देखा जाए तो न्यूक्लियाई तो आठ हैं लेकिन उनके बाहर वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपको जो कहा था कि एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, तो ये चीज़ यहीं पे गलत हो जाती है कि आठ न्यूक्लियाई तो होते हैं लेकिन उनके बाहर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, एक दूसरा एंगल ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि एक्चुअल कंडीशन, जैसा कि इन एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चंस को जब भी आपके पास कभी कोई डाउट आए, आपको ऑब्जेक्शन लगाना भी पड़े, तो आपको रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, और विदाउट रेफरेंस बुक्स अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन लगाया तो वो वैलिड भी नहीं होता है। तो रेफरेंस बुक्स के रूप में अगर हम भोजवानी भटनागर के इस पार्ट को लें तो वहाँ पे आपको साफ मिल जाएगा कि वहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल से साफ लिखा हुआ है, जब उसके एम्ब्रियो सैक के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझाया हुआ तो उसमें बिल्कुल क्लियरिटी से बताया हुआ है कि जो एग सेल होती है और जो सिनर्जिड्स होती हैं उनके पास जो नीचे की साइड यानी कि सेंट्रल की तरफ जो साइड होती है यानी कि चलाजल उनका जो फेस होता है वहाँ पे सेल वॉल या तो होती ही नहीं है या इतनी पतली होती है कि वो नेग्लिजेबल होती है। तो देखा जाए तो एक एंगल से बात करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा गहरा नहीं गए तब तो आपको लगेगा कि छः के बाहर तो सेल वॉल होती है, अगर आप और गहरा चले गए तो आपको पता लगेगा कि छः में से केवल तीन ही ऐसे एंटीपोडल्स बचेंगे जिनके बाहर एक क्लियर कट सेल वॉल होती है, बाकी के पास तो सेल वॉल नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं, एग अपरेटस इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड, यस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एक एग सेल और उसके दोनों साइड में पार्सली उसको कवर्ड करती हुई दो सिनर्जिड्स मिलकर के एग अपरेटस बनाती है, बिल्कुल से सही है। एंटीपोडल्स आर लोकेटेड एट चलाजल एंड, ये भी बिल्कुल से सही है। तो हमें गलत बात ढूंढनी थी, तो पहला गलत है आंसर वो हो गया, सेकंड हमारा गलत नहीं है तो ये नहीं हो सकता, थर्ड बात भी हमारे पास सही आ रही है। चौथे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, अब इसने एम्ब्रियो सैक बोल दिया, वहाँ फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहा था और अब इसने वापस से उसको घुमाने के चक्कर में एम्ब्रियो सैक बोल दिया। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज सिक्स सेल्ड, नो ये चीज़ दोबारा से गलत हो जाती है, और इसको गलत करने के आपके पास कई सारे एंगल हैं। पहला एंगल जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया वो आप ये कहते हैं कि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो मिलकर के एक साथ एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, और उस सेकेंडरी न्यूक्लियस को अगर हम एक सेल के रूप में काउंट करते हैं तो इनकी संख्या सात हो जाती है, तीन एग अपरेटस वाले, दो तीन एंटीपोडल्स और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये मिलकर के सात हो जाते हैं, तो छः नहीं होता यह नंबर, पहली बात। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि एट मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि मैच्योर का मतलब ये है कि जिस समय पे वो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल से तैयार है उस समय पे उसके सिनर्जिड्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा है कि एक तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन के गिरते ही स्टार्ट हो जाता है और दूसरा
एमिरोसैक में पोलन ट्यूब की एंट्री से ठीक पहले दूसरा सिनर्जिड्स है वो भी टूट जाता है, यानी कि देखा जाए तो सिनर्जिड्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनका नंबर सिक्स है वो नहीं होता है। तो आप सिनर्जिड्स के डिस्टर्ब होने वाली बात को यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि आप उनसे उसको अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी, और जिस लेवल पे ये क्वेश्चन आधारित होते हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ तक जाएंगे तो आपके अप्रोच गलत हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेवन सेल्ड के अकॉर्डिंग बात सोचनी थी कि आप सेकेंडरी न्यूक्लियस को एक सेल के रूप में काउंट करते हुए मानेंगे तो दैट विल बी अगेन ए रॉन्ग, यानी कि पहला ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग आ गया और चौथा ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग आ गया, यानी कि दो ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं, तो हम दोनों को एक साथ टिक नहीं कर सकते, इसलिए ये डाउट वाला क्वेश्चन था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसैक को लेकर के या फीमेल गैमेटोफाइट को लेकर के क्या रहती है। इसके बाद में हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये आप थोड़ा सा जैसे इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी इस एंगल से इसको लें कि द स्पीसीज कन्फाइंड का मतलब सीमित होना, किसी दायरे में पाया जाना, उस दायरे से बाहर उसका नहीं मिलना। द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया, अगर कोई स्पीसीज किसी खास एरिया में ही सीमित होती है, उससे बाहर नहीं मिलती है, एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर एनीवेयर एल्स, और उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती है, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो किसी खास जगह पे ही पाए जाए और उस जगह के बाहर अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाए तो उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, उन स्पीसीज को अपन बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। और इकोलॉजिकली बात करें तो इकोलॉजिकली एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि उनके सीड्स हर कहीं जर्मिनेट नहीं करते, जर्मिनेट भी करते हैं तो उनसे फिर प्लांट्स ग्रो नहीं करते होंगे या वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते होंगे, और सर्वाइव भी करते हो तो रिप्रोड्यूस नहीं करते होंगे, तो एक पर्टिकुलर जगह में ही या पर्टिकुलर जो भी एरिया जहाँ तक वो कन्फाइंड होती है वहीं उनको जो भी रिसोर्सेज उनके लाइफ को फुलफिल करने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे वहीं मिलते हैं, तो उस एरिया से बाहर उस स्पीसीज के मेंबर सर्वाइव नहीं करते, तो कभी भी उनका जो वितरण है जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज के एंगल से बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका हाईली रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और जो अपने वितरण को लेकर के किसी स्थान विशेष तक सीमित हो जाती हैं उन स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज, थ्रेटन्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये तीनों ही वर्ड स्पीसीज के ऊपर जो विलुप्त होने का जो खतरा होता है उससे जुड़े हुए जो क्राइटेरिया, जैसे कि अपन IUCN की जो रेड लिस्ट कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो थ्रेट के क्राइटेरियाज हैं उनके बात करें तो वहाँ पे ये थ्रेट्स आते हैं। उस थ्रेट्स का एक कॉमन जो सेंस है वो तो होता है थ्रेटन्ड, अगर किसी भी स्पीसीज का नंबर कम हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, उसका भौगोलिक वितरण धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, तो वो एक थ्रेट में काउंट होता है, यानी कि थ्रेट अपने आप में कोई कैटेगरी नहीं है, थ्रेट एक सामान्य शब्द है जिसके ऊपर भी संकट है वो सारे थ्रेटन्ड होते हैं। अब संकट इतना है कि स्पीसीज लॉस्ट होने के कगार पे है, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो वो भी थ्रेट में ही शामिल होगा, अगर हो गया एंड ख़त्म एक्सटिंक्ट इन, जैसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट स्पीसीज या एंडेंजर्ड, वनरेबल, तो ये सारे थ्रेट के अंदर के क्राइटेरिया होते हैं। थ्रेट एक बड़ा टर्म है जो कोई एक अलग से लेवल नहीं है, वो एक सामान्य शब्द होता है कि जिसके ऊपर भी खतरा वो सब थ्रेटन। अब खतरा कितना उसके अकॉर्डिंग उनके क्राइटेरिया होते हैं, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी कि सबसे बड़ा खतरे की पराकाष्ठा होते हैं कि वो अब इस स्थिति में स्पीसीज के उसका कोई मेंबर नहीं पाया जा रहा है, दिस इज एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट को भी और थोड़ा सा क्लियर करें तो एक्सटिंक्ट का मतलब तो वो हो जाता है जो ग्लोब में नहीं पाया जाता है, इससे हल्का सा जो नीचे आएंगे खतरे को थोड़ा सा कम करके आएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और उसके बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद में एंडेंजर्ड, तो एंडेंजर्ड तो एक ऐसी स्पीसीज का लेवल हो गया या थ्रेट का ऐसा एक लेवल है जहाँ पे स्पीसीज को भी एक्सटिंक्ट होने से पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड होना पड़ेगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होना पड़ेगा, और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के बाद में अगर उसका नंबर नहीं बचा पाए या नहीं बचा तो वो फिर किसी एक समय के ऊपर ग्लोब से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो थ्रेट एक कॉमन सब, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब IUCN की थ्रेट कैटेगरीज होती हैं, और एंडेमिक एक अलग चीज़ है, एंडेमिज्म स्पीसीज को थ्रेटन्ड बनाती है, ये एक अप्रोच है
कि अगर कोई स्पीसीज हर कहीं नहीं मिल सकती तो वो किसी खास जगह मिलती है। अगर वो खास जगह मान लीजिए कि पॉल्यूशन से डिस्टर्ब हो रही है या वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है या किसी भी कारण से वो ख़ास जगह जहाँ पे वो कन्फाइंड थी वो अगर डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ के रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो स्पीसीज उससे बाहर तो कभी जा नहीं पाई थी और ना वो जा सकती है, क्योंकि उससे बाहर के जगह पे सर्वाइव करने के लिए जो अडेप्टेशन चाहिए वो उनके पास होती नहीं है, तो केवल उनको वहीं रह के सर्वाइव करना पड़ता है, तो वो बाहर जा नहीं पाती और धीरे धीरे वो कहाँ चली जाएंगी, थ्रेटन कैटेगरीज की ओर शामिल होती जाएंगे। तो एंडेमिज़म या एंडेमिक होना या उनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कम होना या उनकी हाई फाइडलिटी, ये इकोलॉजिकल टर्म्स हैं कि हाई फाइडलिटी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के लिमिट्स होते हैं कि जो कोई अपने एरिया से बाहर नहीं मिलता वो फाइडलिटी कंडीशन काउंट होती है। तो इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, हर कहीं पे नहीं पाए जा सकते, जो हर कहीं पे मिल जाता है वो इलास्टिक स्पीसीज होते हैं, जैसे कि हमारे वीड्स वगैरह आते हैं, जो एलाइन स्पीसीज हैं, जो फॉरेन स्पीसीज होती हैं, तो वो सब हर कहीं मिल सकती हैं, तो वो सब इसका जस्ट रिवर्स होता है, उनका फाइडलिटी बहुत पुअर होता है और उनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है। एंडेमिक स्पीसीज का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बहुत ही पुअर होता है कि ये हर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकती, ये वो हैं जो केवल अपने घर में ही एडजस्ट रहेंगे, हर किसी के घर में रहने की बस की बात इनके नहीं होती, जो किसी की और जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता तो उसको घर पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज और कहीं कंप्लीट रूप से उसको मीट नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन के एंगल से बात करें तो जो स्पीसीज अपने एरिया तक सीमित होती है, उसके बाहर नहीं मिलती, तो दैट विल बी एंडेमिक स्पीसीज। तो आई होप मैंने जो आपके साथ ये डिस्कस किया है उससे आपकी काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और जो भी छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपको काम की लगी हों तो आप ये क्वेश्चंस भी अपने नोटबुक या जो भी आपकी स्टाइल हो उसमें आप रखते होंगे, और जो नई चीज़ें आपको लगें तो आप उनको बिल्कुल नोट कीजिए और अपने जो भी तैयारी का पार्ट है उसमें इनको जोड़िए। आई होप ये चीज़ें आपके काम आएंगी। थैंक यू देन। ओके।